आज हम लोग एयरफोर्स के चुरागा सेक्शन में जनरल अवेयरनेस का पोर्शन जो आता है बाय ग्रुप नॉर्मली या फिर एक्स एंड वाई दोनों में आता है, तो जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन आता है उसमें एक टॉपिक ज्यादातर पूछा जाता है, उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, वो होता है मुगल जो एम्परर्स थे, मतलब जो उसके शासक थे, उनकी मकबरे कहाँ कहाँ पे है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं ये मकबरा क्या होता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं मुगल नॉर्मली जितने भी शासक रहे थे, हम कह सकते हैं कि 1127 में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मोहम्मद गजनवी ने लगभग 1100 से लेकर के 1127 के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। वहीं से इंडिया में लगभग जो मुस्लिम शासक थे उनका शासन होता है, मोहम्मद गजनवी आक्रमण करता है, उसके बाद वो लूट मार करके चला जाता है, उसके बाद मोहम्मद गौरी आता है, वो आक्रमण करता है, और साथ ही वो केवल लूटपाट नहीं करता बल्कि यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है। एक्चुअली उसको इंडिया के ही एक शासक ने भारत में बुलाता है, वो क्या, भारत में आओ और एक राजा है उनको हमारे लिए मार डालो और मार के चले जाओ और हम मेन राजा बन जाए। बट एक्चुअली मोहम्मद गौरी क्या करता है, वो भारत में आता है और मारता ही नहीं, मार के वो खुद राजा बन जाता है, और बाद में जो उनको उसको बुलाए रहते हैं उनको भी वो निपटा देता है, मौका पाके निपटा देता है। तो नॉर्मली हम सिंपल सी बात करते हैं मकबरे पे। हिंदू मुस्लिम धर्म में जब कोई मर जाता है तो उसको हम मिट्टी में गाड़ दिया करते हैं, उसी गाड़ के उसके ऊपर जब कोई बिल्डिंग कोई अच्छे सी खूबसूरत सी इमारत बना दी जाती है उसी को मकबरा कहते हैं। मतलब जब कोई मर जाए उसको दफन करके उसके ऊपर एक अच्छे से बिल्डिंग जिससे जो उसकी याद दिलाए उसके कामों की याद दिलाए उसके लिए बिल्डिंग बनती है उसी को मकबरा कहते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम सिंपल सा कह सकते हैं, क्या ताजमहल भी मकबरा है, क्योंकि उसके अंदर भी तो मुगल एम्परर शाहजहां की कब्र है। तो हाँ ताजमहल मकबरे के अंदर ही आता है। तो हम जानते हैं कितने मुगल शासक हुए थे, तो नॉर्मली मुगल शासक तो बहुत हुए हैं, बट हम उनकी बात करेंगे जो ज्यादा पावरफुल थे, जो ज्यादा रिस्पेक्टेबल थे, जिनकी रिस्पेक्ट आज भी की जाती है, जिन्होंने भारत को अपना समझ के उस पर शासन किया, ना कि लोगों को केवल तंग किया। तो उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मुगल शासक में पहला राजा बना था बाबर, जहीरुद्दीन बाबर। हम लोग बाबर के बारे में जानते ही हैं, 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर जीता था और उसके बाद ये भारत का बादशाह बन गया या सम्राट बन गया था। और बाबर जब ये मर गया तो बाबर की जो उसकी बॉडी थी उसको सबसे पहले आगरा में गाड़ा गया। आगरा में एक आराम शाह नाम का बाग है, वहां पे गाड़ा गया। लेकिन ऐसा माना जाता है, ऐसा बुक्स में, हिस्ट्रियन बुक्स में सबने लिखा है कि बाबर का जो बेटा था उसको सपने में, उसने सपना देखा कि उसके पापा सपने में आए हैं और उसको कह रहे हैं कि हमें यहाँ से हटाओ, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता, यहाँ पे मेरा मन नहीं है दफन होने का। तो ऐसा माना जाता है, तो पहले इसको आगरा में दफनाया गया था, बट बाद में वहां से जहाँ पे इसको गाड़ा गया था उसको खोद के निकाला गया। और फिर उसके बाद काबुल, बाबर काबुल का ही रहने वाला था, बाबर के पापा का नाम था अली मिर्जा, काबुल का रहने वाला था, सॉरी काबुल नहीं, काबुल काबुल का रहने वाला था, इसके पापा का नाम था अली मिर्जा। तो पहला मुगल शासक बना बाबर। इस ये है उसका मकबरा, किस स्थान पे किस जगह पे। सेकंड बना हुमायूं। हुमायूं के बारे में कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि जो हुमायूं राजा था वो लड़खड़ाते हुए ही जीवन जिया और लड़खड़ाते हुए ही वो मर गया। इसकी मृत्यु अपने पुस्तकालय में जो दिल्ली में है वो पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते पता नहीं क्या हुआ, सीढ़ियों से गिर कर मर गया। तो हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में ही बना हुआ है। हुमायूं का बेटा था अकबर, द्वितीय पानीपत की द्वितीय युद्ध से इसका
इसको राजा बना दिया गया जब ये लगभग 16 साल का था। अकबर का जो मकबरा है वो बना हुआ है आगरा। अब आगरा में कहाँ, एक्चुअली पेपर्स में आगरा नहीं देता है, और आगरा दे तो कोई जान ही ना पाए, तो नॉर्मली उसमें एक जगह लिखी रहती है सिकंदरा। तो आगरा के सिकंदरा नामक जगह पे इनका मकबरा बना हुआ है। एकमात्र ऐसा मुगल शासक जिसका मकबरा तो है लेकिन इसके कब्र में इसकी अस्थियां नहीं है। क्यों? क्योंकि एक जब औरंगजेब का शासन था तो एक आदमी था, उस आदमी ने, एक बंदा था, उसने आगरा के सिकंदरा से इसके कब्र में से इसकी हड्डियों को निकाल के जला दिया था, और इस बंदे का नाम था बंदा बहादुर। ये जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई थी या फिर वो महाराष्ट्र में जब मर गए थे, तो उसके बाद सिखों की गद्दी पे बंदा बहादुर बैठे थे, जिन्होंने बहुत दिनों तक औरंगजेब और बहुत सारे शासकों को बहुत नचाया घुमाया और एंड में ये भी निकल गई। तो अकबर का सिकंदरा में है। फिर अकबर का बेटा था जहांगीर, जिसको सलीम भी कहते हैं। नॉर्मली सब लोग सलीम के ही नाम से जानते हैं, बट रियल नेम उसका जहांगीर है। इसका बना हुआ है लाहौर में। जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का मकबरा हम सब जानते हैं, आगरा के ताजमहल में उसको दफनाया गया है। और लास्ट आता है औरंगजेब। ये मुगल वंश का अंतिम महान शासक माना जाता है। धार्मिक कट्टरता तो इसके अंदर बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन फिर भी इसने बहुत महान काम किए जिससे जनता को एंड में सुख ही मिला। बट ये था कि इसके शासन में जनता थोड़ी त्रस्त थी धर्म को लेकर के। तो औरंगजेब का मकबरा सब लोग कहेंगे औरंगाबाद। एक्चुअली ये सच है, औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में ही है, बट इसमें एक थोड़ा सा थोड़ी सी स्टोरी है। स्टोरी ये है कि औरंगाबाद में एक जगह बढ़ती है खुल्दाबाद, जैसे कि आप समझ लो ये है औरंगाबाद। तो औरंगाबाद के जस्ट एंड टाइम पे एक छोटी सी जगह है खुल्दाबाद। तो औरंगजेब का मकबरा मेन औरंगाबाद में ना होके खुल्दाबाद में है। जब आप कोई बड़ा पेपर जैसे कि एनडीए दोगे या यूपीएससी लेवल पे जाओगे तो वहां पे औरंगाबाद लिख के नहीं आएगा, वहां पे मेनली खुल्दाबाद ही लिख कर आता है। तो औरंगजेब का मेन मकबरा खुल्दाबाद में ही है। वहीं पे हैदराबाद के पहले नवाब जो थे उनका भी मकबरा है। उनका नाम तो मुझे सही से याद नहीं है क्योंकि वो पेपर में ज्यादा पूछा नहीं जाता है, बहुत बड़े पेपरों में पूछा जाता है। तो उसी के बगल में इनका भी मकबरा है जो कि औरंगाबाद से थोड़ा आउटर में है, इसलिए जो बड़े पेपर है वो खुल्दाबाद देते हैं, बाकी छोटे पेपरों के लिए औरंगाबाद ही है। तो आज के लिए बस यही टॉपिक। थैंक यू।